चिंतन नाम का एक व्यापारी शहर से दूर एक गांव में रहता था। वो अपने गांव से शहर में व्यापार करने जाया करता। व्यापार के लिए उसके पास एक गधा था, बाली। चिंतन बाली पे सारा सामान लाद के उन्हें शहर ले जाता। शहर जाने के रास्ते में उन्हें एक नदी को पार करना पड़ता था। चिंतन बड़े आराम से अपने गधे को नदी पार करवाता। नदी पार करके वो शहर पहुंचते। शहर में चिंतन सारा सामान दूसरे व्यापारी को बेच देता और फिर चिंतन और बाली वापस घर की ओर चल पड़ते। बिना भार के कितना अच्छा लग रहा है। मालिक मुझ पे कितना भार डालते हैं, मेरी तो टांगे भी नहीं हिलती। मुझे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं। जब वो लोग घर पहुंच जाते तो चिंतन गधे को पेट भर खाना देता। चिंतन अपने गधे का बड़ा ख्याल रखता, क्योंकि उसे पता था कि उसके व्यापार के लिए उसे गधे की बहुत जरूरत है। अगले दिन चिंतन ने बाली पर 8 कपास की बोरियां ला दी। अरे बाप रे, 8 बोरियां! पर मुझे इनका भार क्यों नहीं लग रहा। लेकिन जो भी हो, शहर तक तो चलना ही होगा ना। और रोज की तरह चिंतन बाली के साथ शहर गया और कपास बेचकर लौटने लगा। रास्ते में उसे अपना दोस्त कुंदन मिला। अरे चिंतन भाई, कैसा था आज का व्यापार? ठीक ही था। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें सही दाम नहीं मिला क्या अपने सामान का? अब कपास का कितना दाम मिल सकता है? वो भी है, तुम नमक का व्यापार क्यों नहीं करते? आजकल शहर में नमक की बहुत मांग है और दाम भी बहुत अच्छे मिलते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। कल से मैं शहर नमक ले जाऊंगा। इन दोनों की बातें बाली सुन रहा था। ये महाशय मालिक को नया सुझाव दे रहे हैं। पहले ही मेरी कमर पे क्या कम भार था कि अब ये भी। अगले दिन चिंतन ने बाली पर 6 बोरियां नमक की लाद दी। अरे बाप रे, इतना भार, मैं तो चल भी नहीं पाऊंगा। चिंतन ने बाली को खींचा, लेकिन वो फिर भी नहीं चल रहा था। तुम बहुत आलसी हो गए हो। चिंतन ने बाली को छड़ी से मारा। थोड़ी दूर चल के, मालिक मुझ पे इतना भार डालते हैं और फिर अगर मैं ना चलूं तो मुझे मारते भी हैं। हे भगवान, मेरी मदद करो, मुझे इस काम और इस भार से मुक्त करो। वो लोग नदी के पास पहुंचे। अरे बाप रे, आज तो नदी के पानी में बढ़ाव है, मुझे बहुत आराम से नदी पार करनी होगी। बाली, आराम से। चिंतन ने नदी पार करना शुरू किया। बाली डर के मारे चिल्ला रहा था। और डर के कारण उसका पैर फिसला। अरे नहीं! चिंतन ने बाली को किनारे खींचा और उसने नमक की बोरी खोली। नमक तो गायब हो गया। सारा नमक नदी के पानी में घुल गया। अच्छा हुआ मैं बच गया, पर मेरी कमर का भार पूरा गायब हो गया। लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और इस नदी को जादुई बना दिया। बहुत नुकसान हो गया, लेकिन कोई नहीं, कम से कम तुम ठीक हो। अब जब नमक है ही नहीं तो मैं शहर में क्या बेचूंगा। चलो वापस चलते हैं। दोनों ने वापस चलना शुरू किया। अरे वाह, आज तो मुझे शहर जाना नहीं पड़ा,
और अब पूरा दिन आराम भी कर सकूंगा। अगले दिन चिंतन ने नमक की 5 बोरियां बाली पे ला दी। दोनों ने चलना शुरू किया। नदी के पास पहुंचे। चलो अच्छा है, आज नदी का पानी कम है। हे जादुई नदी, आज भी मेरी मदद करना। दोनों नदी में उतरे और बाली फिर वही पानी में बैठ गया। फिर से? पर कैसे? और दोनों वापस घर लौट आए। अगले दिन फिर वही हुआ। बाली फिर पानी में बैठ गया। लगता है बाली ये जानबूझकर कर रहा है। बहुत आलसी है ये। इसे कल सबक सिखाता हूँ। अगले दिन चिंतन ने बाली पे 8 बोरियां कपास लाद दी। आज भात तो बहुत हल्का है, पर मैं शहर थोड़ी न जाऊंगा। मैं तो आराम करूंगा। दोनों नदी के पास पहुंचे। हे जादुई नदी, मेरी मदद करना। अब देखता हूँ। चिंतन वहीं किनारे खड़ा रहा और बाली नदी में कूद गया। पर इस बार जब वो उठा, अरे बाप रे, ये तो बहुत वजन हो गया है। हे भगवान, ये आपने क्या किया? मेरी मदद करना क्यों बंद कर दी? अब तुम ये सब उठा के शहर जाओगे। बहुत सयाने समझते थे ना खुद को, हाँ? बेचारा बाली इतना भार उठा के शहर की ओर चलने लगा। अब मैं कभी उस नदी में नहीं बैठूंगा। बाली ने अपना सबक सीख लिया। इस दिन के बाद बाली फिर कभी नदी में नहीं बैठा और चिंतन का व्यापार अच्छा चलने लगा। इसीलिए कहते हैं, आलस नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, एक धोबी का गधा था। वो दिन भर कपड़ों के गट्ठर इधर से उधर ढोने का काम करता। धोबी स्वयं कंजूस और निर्दयी था। अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध नहीं करता था, बस रात को चरने के लिए उसे खुला छोड़ देता था। निकट में कोई चरागाह भी नहीं थी। शरीर से गधा बहुत दुर्बल हो गया था। कहिए महाशय, आप इतने कमजोर क्यों हैं? तो भी मुझसे दिन भर काम करवाता है, खाने को कुछ नहीं देता। मुझे रात को अंधेरे में इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। तो समझो अब तुम्हारी भुखमरी के दिन गए। यहाँ पास में ही एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई हैं। खीरे, ककड़ियाँ, तोरी, गाजर, मूली, शलगम और बैंगनों की बहार है। अच्छा, पर बाग के अंदर कैसे जाए? मैंने बाग तोड़कर एक जगह अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है। बस मैं वहीं जा रहा हूँ, साथ आओगे? नेकी और पूछ, तुम्हारा भला होगा, मुझे भी ले चलो। मजा आया? महीनों के बाद पेट भर कर खाना खाया। मैं तो तरस गया था। तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब से मैं तुम्हारे साथ रोज रात को आऊंगा। गधा अब मजे मजे में धोबी के पास गया। बाहरे गधे, तेरा तो शरीर भर रहा है, बाल भी चमकने लगे हैं और चाल में मस्ती आ गई है, काम में भी फुर्ती आ गई है। कहाँ चरने जाता है रात में? मालिक, वो राज की बात है। आप तो बस काम करवाओ मुझसे जितना चाहे। अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस रात को छोड़ देना चरने के लिए। हाँ हाँ, मुझे कौन सा रात में काम रहता है, जो तुझे रात में भी बांध के रखूं। एक की जगह 10 खेत चर के आ, मुझे क्या। बस ध्यान रखना, अगर चौकीदार के हाथ लग गया तो बहुत मार खाएगा। आप उसकी चिंता मत करो, वो मैं संभाल लूंगा। दिन भर काम करने के बाद रात को गधा जाकर अपने दोस्त गीदड़ से मिला।
आज धोबी मेरी हालत में सुधार देखकर हैरान हो रहा था। होगा ही, तुम्हारी तबीयत अच्छी तरह हरी जो हो गई। वैसे गीदड़ भाई, क्या तुम शास्त्रीय संगीत के बारे में कुछ जानते हो? शास्त्रीय संगीत? नहीं, मैं तो नहीं जानता। कैसे जानोगे? भला तुम्हारे खानदान में कोई गायक ही कहाँ हुआ है? मेरे खानदान में तो मेरे पुरखे मैं शास्त्रीय संगीत गाते आए हैं। गधे, मेरे खानदान पे क्यों जाते हो? मेरा खानदान गायक भले ना हो, पर चतुराई के नाम पे सबसे आगे होता है। तुम्हारा खानदान तो मूर्ख लोगों की श्रेणी में आता है, ऐसा मैं नहीं लोग कहते हैं। अरे तुम बुरा क्यों मानते हो? मैं बहुत खुश हूँ, झूमना चाहता हूँ, मेरा दिल गाने का कर रहा है। अच्छा, खाना खाने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूँ राग गाऊं। ना ना, ऐसा ना करना गधे, गाने वाने का चक्कर मत चलाओ। ये मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी करने आए हैं, मुसीबत को न्योता मत दो। अरे मूर गीदड़, मेरा राग सुनकर बाग का चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम महान गायक हो, मैं मूर्ख गीदड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना शुरू करना, ताकि मैं गाना खत्म होने तक फूल लेकर लौट सकूं। ठीक है, जाओ। जान बच्ची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। कुली नंबर वन, मैं कुली नंबर वन। ये आवाज शायद उसी गधे की है जो रोज हमारे खेत चर जाता है। बहुत मस्ती चढ़ी है इसे, आज तो इसकी सारी मस्ती उतार के ही मानूंगा। अब कहाँ भागेगा, मार मार के तेरा भरता बना दूंगा। चौकीदार गधे पर ऐसे टूट पड़ा मानो जिंदगी भर का गुस्सा निकाल रहा हो। उसने गधे की हड्डी पसली एक कर दी। तो अब आप समझे, अपने शुभ चिंतकों की नेक सलाह ना मानने का परिणाम बुरा ही होता है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।